स्वच्छता की ओर के नारे के साथ सरकार ने जगह जगह शौचालय बनाए थे। करनाल शहर में भी कई सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण किया गया था। इन शौचालयों को बनाने में क्या जरूरी मानकों की पालना की गई और इन शौचालयों की मौजूदा स्थिति कैसी है, इन सवालों के जवाब ढूंढने के लिए समाचार एक्सप्रेस की टीम ने इन शौचालयों का दौरा किया। इस दौरान हमारी टीम को ज्यादातर शौचालयों में साफ सफाई की व्यवस्था खस्ता हालत मिली। कहीं शौचालयों पर गंदगी का अंबार लगा था तो कहीं पानी नहीं था, कहीं शौचालयों पर ताले लटके मिले तो कहीं शौचालयों को लेकर हमने स्थानीय लोगों से बातचीत की, जो कि यहां फैली गंदगी को लेकर नाराज दिखाई दिए। स्थानीय लोगों ने कहा कि वो कई बार शिकायत कर चुके हैं, उसके बाद कहीं कहीं पर अब साफ सफाई के लिए कभी कभी कर्मचारी आते हैं, लेकिन स्थायी तौर पर कोई भी कर्मचारी रोजाना सफाई के लिए नहीं आता। यहां पर हालत ऐसी है कि बैठना भी मुश्किल हो जाता है। पूरे क्षेत्र में दुर्गंध फैली रहती है। बता दें कि पूरे शहर में 245 सार्वजनिक शौचालय बनाए गए हैं, जिनकी साफ सफाई नगर निगम करवाता है। वहीं इन शौचालयों के रखरखाव और इनके निर्माण को लेकर हमने करनाल नगर निगम की ईओ से बातचीत की। नगर निगम की ईओ निशा शर्मा ने कहा कि शहर में जहां भी जरूरत है उस आधार पर सार्वजनिक शौचालय बनवाए गए हैं और ठेकेदार के द्वारा वहां पर साफ सफाई के लिए कर्मचारी भी नियुक्त किए हुए हैं, ताकि कहीं भी किसी तरह की दुर्गंध ना फैले। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि शहर में सार्वजनिक शौचालय की संख्या सही है, कहीं भी फिलहाल और शौचालय बनवाने की आवश्यकता नहीं है। हमारे पास कर्मचारियों की संख्या कम है, इसीलिए कहीं पर साफ सफाई सही तरीके से नहीं हो पाती, इसीलिए हम टेंडर निकाल रहे हैं, जिस पर कंपनी का टेंडर दिया जाएगा वहीं उसका रखरखाव करेगी और साफ सफाई का ध्यान रखा जाएगा। बहरहाल हमारी टीम ने पाया कि ज्यादातर सार्वजनिक शौचालयों की हालत काफी खराब है। प्रशासन को चाहिए कि समय समय पर वहां पर साफ सफाई होती रहे और जो लाखों करोड़ों रुपए लगाकर ये शौचालय बनाए गए हैं, आम जन इनको उपयोग में ला सके। फिलहाल तो सीएमसीटी के शौचालय सफेद हाथी बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। पब्लिक टॉयलेट हैं और उनके रखरखाव के लिए किस तरह के प्रबंध जो नगर निगम की तरफ से किए जा रहे हैं? नगर निगम द्वारा बनवाए गए पब्लिक शौचालयों की संख्या 245 के अराउंड है एंड हम लोग इसको अपने अभी तो क्लिनिक स्टाफ जो हमारा सैनिटेशन स्टाफ है वही इसको साफ सफाई करवा रहा है। बाकी इसकी मेंटेनेंस के लिए नगर निगम द्वारा एक अपना टेंडर भी किया गया है एंड इसके बाद एजेंसी द्वारा इनको मेंटेन किया जाएगा। थोड़ा सा इश्यूज़ ये आते हैं कि पब्लिक, इसमें हम पब्लिक के सहयोग की बहुत उम्मीद रखते हैं, क्योंकि देखने में आता है कि कई बारी रात के टाइम जब हमारा स्टाफ भी उस समय ड्यूटीज पर हर समय इसमें नहीं रहते हैं तो थोड़ा उसमें तोड़फोड़ की जाती है, नुकसान पहुंचाया जाता है, जो कि एक सरकारी प्रॉपर्टी है, लोगों के इस्तेमाल के लिए बनाए जाते हैं ताकि शहर में गंदगी वैसे ना हो और साफ सफाई बनी रहे। परंतु जब ये चीज़ें आती हैं तो उससे कहीं ना कहीं लॉस भी है पब्लिक का भी इसमें, कि उनको भी यूटिलाइजेशन के लिए ठीक चीज़ नहीं हम लोग फिर उसमें करवा पाते हैं। तो हमारा आमजन से इस चीज़ के लिए एक रहेगा अनुरोध कि आप थोड़ा सा जब भी मतलब शौचालय को इस्तेमाल करें तो उसकी साफ सफाई का खुद भी ध्यान रखें इस चीज़ का, और किसी भी उसको नुकसान ना पहुंचाए ताकि लंबे समय तक आप उसको ढंग से इस्तेमाल कर सकें। तो मैम कई बार देखने को मिलता है कई जगहों पर इतनी दुर्गंध होती है कि कोई साफ सफाई के लिए कर्मचारी नहीं आता, तो अगर कोई लापरवाही बरतता है तो उस कर्मचारी के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाती है? दरअसल अभी हम लोग साफ सफाई के लिए जैसे मैन पावर की भी थोड़ा सा भी आई है, हम लोगों ने पेरोल पर कुछ लोग लिए हैं शहर की साफ सफाई में, और पहले ये कार्य ठेके के द्वारा करवाया जा रहा था तो उससे थोड़ी सी तो आती है कि साफ सफाई भी हो रही है, टिपर भी हमारे चलाए जा रहे हैं इन्हीं की सफाई कर्मचारियों के द्वारा, तो मैन पावर थोड़ा सा तो कम पड़ा है, इसीलिए हम लोगों ने इसको मेंटेनेंस के लिए टेंडर के लिए किया है कि आउटसोर्स एजेंसी के द्वारा इनको रेगुलर ठीक तरीके से मेंटेन किया जा सके। तो जो पब्लिक टॉयलेट है तो क्योंकि पर्याप्त मात्रा है शहर में? हाँ जी, रिक्वायरमेंट बाकी कहीं आए भी कि किसी वार्ड के लिए किसी स्पेशल जगह के लिए तो उसको हम लोग करवाने के लिए प्रावधान देख लेंगे, करवा लेंगे, मगर अभी फिलहाल के लिए सफिशियंट टॉयलेट्स हैं। तो कई बार देखने को मिलता है मैम जैसे पब्लिक टॉयलेट बनाई जाती है तो उसकी वहाँ पे जो सामग्री यूज की जाती है तो उसकी गुणवत्ता काफी खराब होती है, तो क्या उसके लिए भी कोई स्पेशल कमेटी या कोई जो टीम बनाई जाती है कि उसको देख रेख करते रहे जो बनाए जाते हैं ताकि वो अच्छे जो उसमें प्रयोग लाए जो कुछ भी सामान है उसमें लगाया जाए? कार्य तो हमारा टेक्निकल स्टाफ ही अपनी निगरानी में ही करवाते हैं तो ऐसा तो कोई ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं आती है, सारा इंश्योर किया जाता है कि अच्छा मटेरियल यूज हो रहा है, प्रॉपर कंस्ट्रक्शन की जा रही है,
तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं आ रही है। आपको परिचय मैम? निशा शर्मा, कार्यकारी अधिकारी नगर निगम। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। Banquets lie hai, incredible marriage palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.